प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी का किया दौरा, कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का दौर जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक सप्ताह में 6% की आई कमी। प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आ गई है। राज्य में कोरोना की संक्रमण दर 0.09% हो गई है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि प्रदेश सरकार छोटी नदियों को जोड़ने पर विचार कर रही है, यह काम राज्य सरकार अपने संसाधन से करेगी। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस 17 जुलाई को पूरे देश में महंगाई के खिलाफ करेगी आंदोलन। अररिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य तेलों के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में साइकिल रैली निकाली और पैदल मार्च किया। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने तारापुर अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि वे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके के मद्देनजर आज सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों और यात्रियों के सामानों की सघन जांच की गई। औरंगाबाद जिले में वज्रपात सुरक्षा रथ का शुभारंभ किया गया। सुरक्षा रथ से जिले के सभी पंचायतों में वज्रपात से बचने के उपायों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और मुंगेर पुलिस को जीपीएस और वायरलेस से लैस कर दिया गया है। अब इससे पुलिस घटनास्थल पर मात्र 5 मिनट में पहुंचने में सक्षम हो गई है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार दोबारा से।